बिहार में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 28 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। मौसम विभाग की माने तो रविवार से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को पटना में झमाझम बारिश देखने को मिली। लगभग शाम 5 बजे से 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। यही नहीं, रात में भी कई इलाकों में खूब बारिश हुई, जिसके कारण से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली। हल्की बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पटना में शुक्रवार को 17.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण पटना का अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री गिरकर 34.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जी हाँ, शुक्रवार को हुई बारिश के कारण 20 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और 7 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 35.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा। गया 34, नवादा 34.9 डिग्री, औरंगाबाद 35 डिग्री, वैशाली 34.7, शेखपुरा 35.7 डिग्री, बांका 34.2 डिग्री। आपको बता दें भागलपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। बता दे चले प्रदेश के 25 शहरों में जमकर हुई है बारिश। जी हां, शुक्रवार को प्रदेश के 12 जिलों के 25 शहरों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इस दौरान पटना, किशनगंज, सहरसा, भागलपुर, बांका, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, गया, भोजपुर, लखीसराय और पूर्णिया जिलों में बारिश हुई। इसमें सबसे अधिक बारिश किशनगंज के दिघल बैंक में 32.4, सहरसा के सलखुआ में 30.6, भागलपुर में 29, बांका के बौसी में 28.8, अररिया में 22.5 और नरपतगंज में 22.4, भागलपुर के नौगछिया में 22, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 21.8 mm बारिश हुई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिनों बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद औसत से करीब 26% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 240.3 mm बारिश होती है, लेकिन अब तक राज्य में सिर्फ 178.1 mm की बारिश हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।